रैखिक समीकरण युग में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना, जैसे दो समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। इन समीकरणों से युग में दो समीकरण है उनसे एक्स वाई का मान ज्ञात करने हो तो इन दोनों को अलग अलग नाम, जैसे समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो। अब इसमें यह देखना पड़ता है कि समीकरण एक और दो से एक्स एक्स मिल रहे हैं और इसमें वाई वाई भी मिल रहे हैं, एक तो या तो इनको जोड़ने पर कर देते हैं या घटाने पर, तो समीकरण एक और दो को जोड़ने पर है। समीकरण एक हुए समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर ये हो गए 2x और y प्लस 4 y माइनस 4 देना 0 बराबर 14 और 4 18, तो x बराबर होगी 18/2 2 9 2 18, कहने का मतलब है x बराबर 9। तो x का मान तो आ गया 9। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, चाहे एक नंबर में रखो चाहे दो नंबर में रखो, तो x की जगह x का मान रख दो तो y का मान आ जाता है, तो x बराबर 9 समीकरण एक में रख दो या दो में रख दो किसी में रख दो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो x बराबर 9 समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में x की जगह 9 रख दिया प्लस y बराबर 14, इसको पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करने पर अब पक्षांतर करने पर y बराबर 14 माइनस को 9 है तो ऊपर दे दे माइनस को जी, क्यों प्लस को है बराबर ऊपर जानते हैं माइनस को जी 9, तो y बराबर है 14 में 9 का डेला गया 5, अतः x बराबर है 9 और y बराबर 5, ये उत्तर है। रैखिक समीकरण युग को जैसे साधारण विधि से आपको पहले बताया था, वो तो थी साधारण विधि से दो समीकरणों से एक्स वाई का मान ज्ञात करना। अब एक दूसरी विधि है इसी में ही, वो होती है रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना, यानी एक्स वाई का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि आपको बताते हैं, ये समीकरण नंबर एक और ये समीकरण नंबर दो ले लिया। अब दो समीकरण से लेकर करते हैं समीकरण दो से, समीकरण दो से जैसे दो से समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर 4, इसे हम एक्स का मान लेते हैं, जैसे एक्स बराबर 4 ये माइनस को बन जाएगा प्लस को जी वाई, आ समीकरण बन गई 3। अब ये समीकरण है 3 से एक्स का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण एक में समीकरण तीन से एक्स का मान प्रति स्थापित करने पर, अब समीकरण तीन है तो
तो इस एक्स का मान है वो समीकरण है एक में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण एक है एक्स प्लस वाई बराबर 14। अब एक की जगह जो एक्स के बराबर ये है ये लिख देते हैं, जैसे चार प्लस वाई तो एक्स का मान हो गया और फिर वाई है ही और बराबर 14। और एक्स की जगह और एक्स बराबर समीकरण तीन से एक्स बराबर चार प्लस वाई है वो पूर्व एक्स की जगह चार प्लस वाई लिख दियो, अब वाई अठे बराबर 14 लिख दिया। अब ये इन पक्षांतर में जो वाई वाई एक तरफ संख्या संख्या एक तरफ पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर वाई प्लस वाई बराबर 14 माइनस चार, क्यों ये चार प्लस का पढ़ दे माइनस करो जी। अब वाई वाई ने जोड़ दिया दो वाई बराबर 14 में चार काट दिया ला रहेगा 10। अब y बराबर जी y बराबर है 10/2, 1 2 2 5 2 10, यानी y का मान आ गया 5। अब y का मान समीकरण एक में रखने का, y का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर सीधी सी बात है y का मान y बराबर 5 है वो समीकरण एक में रख दो, तो समीकरण एक x प्लस वाई और जगह रख दो 5 बराबर है 14। यानी पक्षांतर करा, पक्षांतर करने पर पक्षांतर करने पर एक्स बराबर 14 ए प्लस का बढ़ दे रहे जी माइनस का माइनस 5, एक्स बराबर 14 में 5 का डेला रहेगा 9। तो इस प्रकार से एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 5 ए होगा उत्तर है। तो पहली विधि थी वो साधारण विधि थी, उसी में भी एक्स का मान 9 आया और वाई का मान भी 5 आया। अब दूसरी विधि है कि इन्हीं समीकरणों को या रेखीय समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन विधि थी बहुत सरल और आसान।